अभी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। अभी ये है दोस्तों अपना बड़ा वाला पैनल, जैसे कि देख सकते हो आप, ये लेफ्ट साइड का है दोस्तों और ये राइट साइड का है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसकी बात। तो इसके कारण ही दोस्तों हमारे कार में काफ़ी ज़्यादा पानी जा रहा था इंजन वे में, तो इस कारण से ही दोस्तों इसे बदलना पड़ा। तो आपको एक बार छोटे वाले पैनल की प्राइस दिखा देता हूँ, आप शॉक हो जाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपका इधर वाला साइड का टूट चुका होगा तो ये आपको काफ़ी महंगा गिरेगा। तो ये तो दोस्तों आपको 500 रुपये में इतना कुछ मिल ही जाएगा। इसके कारण क्या होता था, यहाँ से दोस्तों पानी ज़्यादा अंदर जाता था। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके बाद। और इस साइड का भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और ये अपनी शेवरलेट बीट पेट्रोल 2010 मॉडल, और हाल ही में दोस्तों अपन ने इसका जो एयर ग्रिल है, मतलब एयर ग्रिल वाइपर पैनल है, वो अपन ने चेंज किया है। तो आगे बताऊंगा दोस्तों हमने ये क्यों चेंज किया है। तो चलिए दोस्तों आपको वो दिखा देता हूँ और आपको बताएंगे ये हमने क्यों चेंज किया था। तो दोस्तों अपन ने बोनट को खोल लिया है, तो चलिए आपको बता देता हूँ मैं किस ग्रिल या पैनल के बारे में बात कर रहा था। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ये अपना फ्रंट पैनल है, ये दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से। ये पैनल अपन ने चेंज किया था दोस्तों करीब दोस्तों उसे हो चुके हैं 1.5 साल। और ये क्यों चेंज किया था वो भी आपको बताएंगे, और वो जो पुराना वाला पैनल है वो भी हमारे पास है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आप देख लीजिएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से। इसे दोस्तों आप ग्रिल पैनल या दोस्तों वाइपर की जो ग्रिल होती है वो भी आप बोल सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से। अभी दोस्तों मुझे इसका नाम या इसे क्या बोलते हैं वो नहीं पता, और माफ़ी चाहूँगा दोस्तों थोड़ा वीडियो में नॉइस आएगा क्योंकि दोस्तों तेज़ हवा चल रही है कुछ इस प्रकार से, तो उसके लिए माफ़ी है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ दोस्तों ये हमने क्यों चेंज किया। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, ये हमने सेकंड हैंड कार ली थी और उनके तरफ से ही दोस्तों हमें इसका जो यहाँ से दोस्तों इसका जो पैनल है, ये पूरा पैनल दोस्तों चूहे ने कतर के ख़राब कर दिया था, और साथ ही दोस्तों इसे भी ख़राब कर दिया था। तो इसके कारण दोस्तों क्या होता था, हमारे कार में जब बारिश के टाइम में क्या होता था दोस्तों, यहाँ से दोस्तों पानी उतरता था और पूरा दोस्तों बैटरी पे या दोस्तों अपना ये इंजन विंजन पूरे तरीके से यहाँ पे पानी जाता था। तो इसी कारण से दोस्तों हमें ये पूरा ही चेंज करना पड़ा। तो ये तो हो गया दोस्तों इसकी बात। तो ये प्रॉब्लम था दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपके भी साथ कुछ ऐसा ही होगा तो आप दोस्तों इसे भी बदला सकते हो। ये पूरा सेट मिल जाता है दोस्तों, उडमी पे दोस्तों इजीली अवेलेबल है। इसका स्क्रीनशॉट मैं कुछ इस प्रकार से डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और यही नहीं दोस्तों, आप किसी भी गाड़ी का ऑर्डर कर सकते हो आगे। तो ये तो हो गया दोस्तों इसकी बात। तो इसके कारण ही दोस्तों हमारे कार में काफ़ी ज़्यादा पानी जा रहा था इंजन वे में, तो इस कारण से ही दोस्तों इसे बदलना पड़ा। चले दोस्तों आपको भी पुराना वाला दिखा देते हैं, उसकी कंडीशन भी आप देख लीजिएगा। तो चले दोस्तों अभी आपको ये पैनल दिखा देते हैं। ये दोस्तों ये बड़ा वाला पैनल है, मतलब दोस्तों ये पैनल जो है इसका जो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक के जो पैनल है वो दोस्तों दो भाग में है, मतलब दोस्तों दो भाग में डिवाइडेड है। इसका दोस्तों ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला पैनल है, ये कुछ इस प्रकार से। ये छोटा वाला पैनल दोस्तों ये राइट साइड का है, और ये बड़ा वाला जो पैनल है ये लेफ्ट साइड का है, जैसे कि देख सकते हो आप। ये कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों, ये पट्टी है रबर की पट्टी, जैसे कि देख सकते हो आप। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो ये बड़े वाले पैनल की प्राइस कुछ इस प्रकार से, जैसे कि देख सकते हो आप। ये दोस्तों जो बड़ा वाला पैनल है ये जैसे कि देख सकते हो आप, ये पार्ट नंबर है और इसका जो MRP प्राइस ये कुछ इस प्रकार से है। बड़े वाले की प्राइस दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, तो छोटे वाले पैनल की प्राइस कम होनी चाहिए। तो आपको एक बार छोटे वाले पैनल की प्राइस दिखा देता हूँ, आप शॉक हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटा वाला पैनल, तो आप यहाँ पे प्राइस देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से, जैसे कि देख सकते हो आप। कहा दोस्तों 500 रुपये और कहा ये 1310 रुपये, जैसे कि देख सकते हो आप। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ये मॉडल नंबर, ये पार्ट नंबर और ये कुछ इस प्रकार से। आपको ये खोल के भी दिखाऊंगा, उससे पहले आपको ये रबर पट्टी की भी प्राइस दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी रबर पट्टी है दोस्तों, और इसकी प्राइस देख सकते हो आप। ये कुछ इस प्रकार से पार्ट नंबर और प्राइस देख सकते हो दोस्तों, 305 रुपये। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ये हमने चेंज किया था। तो अभी आपको इसे खोल के दिखा देते हैं, अभी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। अभी ये है दोस्तों अपना बड़ा वाला पैनल, जैसे कि देख सकते हो आप, ये लेफ्ट साइड का है दोस्तों और ये राइट साइड का है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। और दोस्तों अपना जो ये पट्टी है, ये रबर पट्टी, तो ये है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। और इसके अलावा भी दोस्तों हमें ये मिल जाता है, ये नए इसमें मिले थे हमें, पुराना तो क्या पता पुराना है नहीं इसमें, पुराना दोस्तों हमें ये मिला ही नहीं था। तो ये कुछ इस प्रकार से। तो ये लेफ्ट साइड वाला बड़ा वाला, तो ये इसकी लेंथ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक के है, और उसके बाद दोस्तों ये यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टार्ट होता है,
मतलब दोस्तों यहाँ से लेके ये यहाँ तक के राइट वाला है और यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक के ये लेफ्ट वाला है, जैसे कि देख सकते हो आप। तो ये तो हो गया दोस्तों ये, और ये पट्टी ये कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों इसका रीज़न क्या था वो भी आपको दिखा देते हैं क्यों चेंज किया हमने। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से, चूहे ने दोस्तों काफ़ी इसे कतर लिया है ये कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार से, आप ये नया वाला देखे दोस्तों यहाँ से, और ये पुराना वाला देखे कुछ इस प्रकार से। और इसका कारण दोस्तों मैंने आपको बताया, चूहे ने पूरे तरीके से इसे कतर लिया है ये कुछ इस प्रकार से। ये भी अपना टूटा था, इसके कारण क्या होता था यहाँ से दोस्तों पानी ज़्यादा अंदर जाता था। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके बाद। और इस साइड का भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो इसी छोटे से कारण के लिए दोस्तों हमें ये पूरा ही चेंज करना पड़ा। और बताने वाली बात ये रहेगी दोस्तों, अगर दोस्तों आप ये बड़ा वाला लेने जाए तो दोस्तों ये आपको 500 के करीब मिल जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा। बट दोस्तों ये छोटे वाले की प्राइस, मतलब ये छोटे वाले पैनल की प्राइस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपेयर में। अगर दोस्तों आपका इधर वाला साइड का टूट चुका होगा तो ये आपको काफ़ी महंगा गिरेगा। तो ये तो दोस्तों आपको 500 रुपये में इतना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, सोचे तो लो इस बारे में आपको भी थोड़ा सा बताया जाए और इस रिलेटेड कोई भी आपका प्रॉब्लम हो उससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही। अगर दोस्तों आपका भी कुछ इस बारे में सवाल हो, राय हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं भी अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।